अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो अभी हमने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। आई जस्ट केम फ्रॉम हरिपुर और अभी हम लोग आए हैं। पहले क्या करें, एसडब्ल्यूएस का ऑफिस का सफाई करनी है सबसे पहले। क्लास हम दोनों ने मिस की है। नहीं, मैंने मिस किया, जरक ने मिस नहीं की। सो वी हैड अ फर्स्ट क्लास, वो हमने मिस करवाई है और उसके बाद एसडब्ल्यूएस का काम है। अभी हम लोग बुक शॉप में खड़े हैं, डबल टेप ले रहे हैं। फिर क्या करना, फर्स्ट है। तो ये सब जो काम है उसको ख़त्म करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। सो लेट्स सी। कितना ऊपर चढ़ गए, बहुत स्लो बोले से आवाज़ ये नहीं आई। दूसरा चार्ट लगाने लग गए और ये मेरे प्रोफेशनल हाथों से लगेगा तो इसीलिए बहुत अच्छा लगेगा। रिकॉर्डिंग पहला चार्ट ये मैंने लगाया और दूसरा चार्ट जरक लगाने की कोशिश कर रहा है। जरक चढ़ो के ऊपर अच्छा जरक नहीं लगाएगा, इसके लिए भी मैं ही ऊपर चढ़ूंगा और मैं लगाऊंगा। और मीनवाइल इधर काम हो रही है, गुलमीना बची है और एसडब्ल्यूएस का ऑफिस साफ हो रहा है। मीनवाइल हम लोग शुगल भी लगा रहे हैं, ब्लॉग भी बना रहे हैं और काम भी कर रहे हैं थोड़ा सा। तो ये सीन है आज का। भाजी एसडब्ल्यूएस के दो अच्छी बातें और दो बुरी बातें। अच्छी बात ये कि आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, हाथ गंदे हो जाएंगे। पसीना, खून पसीने की मेहनत भी होती है। बिल्कुल, वो नजर आ रहा है हमें। बुरी बात ये कि गरीब है, हम बहुत गरीब हो चुके हैं। पहले बहुत अमीर थे, यू कैन सी द फ्लेक्स Flexor, Flexor. अब बहुत गरीब हो गया, बहुत ज़्यादा। जब आपका टेन्योर आया तो कुछ भी नहीं है। हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने फंड्स का मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बेदरेक इस्तेमाल किया है। बहुत बेश कहते फजूल खर्ची की थी, बहुत ज़्यादा। उसका नतीजा हमें भुगतना नहीं यार, ये अभी तक का काम। किस चीज़ के लिए? सो अभी हम लोग गए हैं क्लास में, अटेंडेंस लगा कर आए हैं। सिर्फ एंड में जाके अटेंडेंस लगाई है और मुझे उस टाइम व्लॉग बनाना याद नहीं रहा, क्योंकि हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली उस टाइम मुझे व्लॉग बनाना भूल गया था, बिकॉज अटेंडेंस इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। तो अटेंडेंस हमने लगा ली है और अभी हम लोग जा रहे हैं दोबारा एसडब्ल्यूएस ऑफिस मजदूरी करने के लिए। लेकिन मैं क्या पता स्किप कर जाऊँ इस काम को और भाग जाऊँ। लेकिन पहली मजदूरी हमारी ख़त्म हो चुकी है एसडब्ल्यूएस ऑफिस में, अभी हम दूसरी मजदूरी करने के लिए गए हैं पीएमसी में। And now we have to give them the invitation letters to the dean and to the principal. और फिर उसके बाद देखते हैं क्या सीन होता है। अभी हम लोग जा रहे हैं, उमर और खालिद भी हैं हमारे साथ और जरक और मैं तो नहीं हूँ ऑब्वियसली साथ ही। So here we are going to the dean's office for किस लिए जा रहे हैं जरक? रिसर्च कॉन्फ्रेंस के प्रमोशन के लिए आए आज। अभी लेटर देना है डीन को, देना है प्रिंसिपल को। That's good. चलो देखते हैं फिर। मजदूरी नंबर 3 करनी है। हमारा इनविटेशन है अभी एसआरसी का एंड दिस इज प्राइम टीचिंग हॉस्पिटल और वो सामने पेशावर डेंटल कॉलेज है। डेंटल कॉलेज में जाके ये देंगे इनविटेशन एंड देन विल बी बैक। वी आर डन विद द पीडीसी या पीसीडी जो भी है और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस कॉलेज। और कॉलेज में जाके अटेंडेंस आज मैंने 1 लगाई है और दो लगाई और क्लासेस तो आज की मिस हो गई है। मतलब वीक के बाद मेरा फर्स्ट डे है कॉलेज में और पहला दिन ही ऐसा जा रहा है जिसमें अटेंडेंस नहीं लग रही। अब अल्लाह करे 1-2 क्लासेस मिल जाए, अटेंडेंस 1-2 की लग जाए और फिर सेटिस्फाइड हो जाएंगे हम लोग। तो अभी क्या सीन है जरक? अभी जा रही है उमर का कोई काम है जिसकी वजह से हमें क्लासेस मिस करनी पड़ रही है और उमर इधर बैठ के भी काम कर रहा है। उमर का काम नहीं है, ये एसआरसी अच्छा व्लॉग है। अंदर आ चुके हैं। ये अभी हमारा एनयूएमआर में क्या हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसके लिए फाज एक ड्रामा बना रहा है और उसके लिए अभी हम लोग शूट कर रहे हैं। सर मैं कमेंट
सर मैं कम इन, सर मैं कम इन, सर मैं कम इन, आ जाना यू बॉयज आर इन बिग लक शुडी जनरेशन दिस इज गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द होल वर्ल्ड तो सीन इस तरह है कि अभी हम लोगों ने जो हमारी वीडियो थी कॉन्फ्रेंस के लिए तो उसकी शूटिंग की है उसके बाद अभी हम लोग बैठे हुए हैं डीन्स गैलरी में यहाँ पर हॉस्टल सर्विलेंस कमेटी की मीटिंग हो रही है और हम लोग भी देख रहे हैं क्या हो रहा है अभी आलू गोश पर और सब्जी पर मसले पर बहस हो रही है और सुनते हैं क्या हो रहा तो अभी हमारा हो चुका है कॉलेज ख़त्म कब का ख़त्म हो चुका है वी वर सिटिंग इन द कॉन्फ्रेंस रूम सॉरी डीन्स गैलरी में जो है सो वी वर हैविंग सम सर्विलेंस कमेटी थिंग एंड आफ्टर दैट ऑनवर्ड्स वी वर जस्ट लाइक डन विद द थिंग्स एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू द हॉस्टल और ये सीन मेरे साथ अजबरान ये बैठा रहा है सर्विलेंस कमेटी की मीटिंग में और अभी इसकी तबीयत ख़राब हो रही है ही इज लाइक कि बस कब हॉस्टल पहुंचे हम इनके लिए लड़ रहे हैं इनको पता नहीं है हाँ ये हॉस्टल के खाने के लिए लड़ रहे हैं ताकि और किसी का पेट खराब ना हो हमारा तो खराब हो चुका है अभी इनके लिए सोच रहे हैं मोर पावर टू यू अजबरान मोर पावर टू यू